झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, लेकिन लगातार चाहे एनडीए हो या इंडिया रणनीतियां बना रहा है। झारखंड की सियासत में एक यक्ष सवाल था कि आखिर आलमगीर आलम की जगह कौन मंत्री बनेगा। उसके लिए कई नेताओं का नाम आगे चल रहा था, लेकिन हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी की उपस्थिति में झारखंड के कद्दावर कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और अब कहा जा रहा है एक नेता का नाम फाइनल हो गया है जिसे मंत्री बनना है। बता दें कि मंत्री बनने की रेस में दीपिका पांडे सिंह और इनफार अंसारी का नाम चल रहा था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इरफान अंसारी के पक्ष में फैसला आया है। ये कहा जा रहा है इरफान अंसारी का अब मंत्री बनना तय है। वहीं दीपिका पांडे सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बादल पत्रलेख से आलाकमान नाराज है, उनकी मंत्री पद जो है वो छीनी जा सकती है और बादल पत्रलेख की जगह या तो दीपिका पांडे सिंह या फिर पूर्णिमा सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। विधायक दल के नेता के तौर पर भी एक बड़ा फैसला हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता पहले आलमगीर आलम ही थे, मंत्री भी आलमगीर आलम थे, तो अब विधायक दल के नेता के तौर पर दो नेताओं का नाम सामने आ रहा है। विधायक दल का नेता की जिम्मेदारी अब किसी अल्पसंख्यक नेता को नहीं बल्कि ओबीसी के नेताओं को दिया जाएगा, जिसमें प्रदीप यादव और बन्ना गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। इन दो नेताओं में से एक को विधायक दल का नेता और मंत्री जो है वो बाकायदा जो है वो इरफान अंसारी को बनाया जाएगा। बता दें कि इरफान अंसारी का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन कई बार कहा जा रहा था कि हो सकता है दीपिका पांडे सिंह को भी जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आलाकमान इस फैसले पर पहुंची है कि इरफान अंसारी को जो है मंत्री बनाया जाएगा। इरफान अंसारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी नाराज हुए थे, वो चाहते थे उनके पिता फुरकान अंसारी को गुड्डा से टिकट मिले, और हमारी फोन पर बातचीत हुई थी, इसमें साफ तौर पर कहा था अगर हमारे पिता फुरकान अंसारी को टिकट मिलता तो हम गुड्डा से जो है वो चुनाव जीत जाते। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी इरफान अंसारी ने जामताड़ा से बढ़िया परफॉर्मेंस किया और खुद सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि अगर दुमका से नलिन सोरेन जीते हैं तो इसमें हमारी जो है भूमिका है, क्योंकि हमने जामताड़ा से 40,000 से ज़्यादा वोट से लीड करवाया है। और वाकई में जामताड़ा विधानसभा ऐसा क्षेत्र था जहां से इरफान अंसारी ने 40,000 से ज़्यादा वोटों से महागठबंधन को लीड कराया, जिस वजह से वहां सीता सोरेन की हार हुई और नलिन सोरेन जो है वहां से चुनाव जीते। तो जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जो आलाकमान की बैठक हुई है, पहला फैसला मंत्री पद इरफान अंसारी को मिलेगा, बादल पत्रलेख से आलाकमान नाराज है, तो बादल पत्रलेख से जो मंत्रालय है वो छीना जा सकता है और उसकी जगह पूर्णिमा सिंह या फिर दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा विधायक दल के नेता के तौर पर बन्ना गुप्ता या जो प्रदीप यादव हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी झारखंड का चुनाव का और हेमंत विश्व शर्मा को सप्रभारी बनाए जाने के बाद बीजेपी एनडीए पूरी तरह से एग्रेसिव है, तो अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में बैठकें की हैं, बाकायदा हेमंत सोरेन के साथ हुटवार जेल में बैठकें की बैठकों की बात सामने आ रही है। तो कांग्रेस भी इस बार जो है काफ़ी सीरियस हो गई है और ये तमाम फैसले ले लिए गए हैं, सिर्फ आधिकारिक ऐलान जो होना है वो बाकी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।